हेलो स्टूडेंट्स, सो टुडे वी आर स्टार्टिंग विद द सब्जेक्ट ऑफ ज्योग्राफी एंड इन दैट विद द सेकंड चैप्टर दैट इज़ लोकेशन एंड एक्सटेंट। तो हम लोग इस चैप्टर में दो कंट्रीज़ के लोकेशन एंड एक्सटेंट के बारे में पढ़ने वाले। फर्स्ट इज़ इंडिया एंड सेकंड इज़ ब्राज़ील। लोकेशन मीन्स वेयर द कंट्री इज सिचुएटेड व्हेन वी कंपेयर इट टू वर्ल्ड मैप, ओके। एंड एक्सटेंट मीन्स कहाँ तक उस कंट्री की रीच है, कितना फैला हुआ है वो कंट्री, ओके। सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ लोकेशन एंड एक्सटेंट। ओके, फर्स्ट वी स्टार्टिंग विद द लोकेशन एंड द एक्सटेंट ऑफ इंडिया। सो द ऑफिशियल नेम ऑफ इंडिया विच इज़ रजिस्टर्ड इन द बुक्स ऑफ यूनाइटेड नेशन इज़ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ओके। एंड द कैपिटल ऑफ इंडिया एज वी ऑल नो इज़ द न्यू दिल्ली, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद द लोकेशन, एक्सटेंट एंड बाउंड्रीज ऑफ इंडिया। ओके, इंडिया इज़ लोकेटेड इन द नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर ऑफ द वर्ल्ड। तो जब हम लोग ये पूरे वर्ल्ड का मैप देखते हैं तो इंडिया है इक्वेटर के ऊपर सिचुएटेड है, मीन्स इट इज़ इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और एक सेंटर लाइन अर्थ में गई है जिसको हम लोग कहते हैं प्राइम मेरिडियन, ओके। तो इंडिया जो है उस प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में भी आता है, देयरफॉर इंडिया इज सिचुएटेड इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर ऑल्सो, देयरफॉर इंडिया इज लोकेटेड इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर ऑफ द वर्ल्ड, ओके। एंड इट इज़ सदर्न पार्ट ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। एंड वैन वी जब हम लोग एशिया कॉन्टिनेंट में कंपेयर करते हैं तो इंडिया एशियन कॉन्टिनेंट में सदर्न पार्ट में सिचुएटेड है, ओके। सो इधर एक मैप दिया गया है इंडिया को। इफ़ वी कंपेयर दिस मैप, जब हम लोग इस मैप को देखते हैं तो वी कैन कंप्लीटली लुक एट द एक्सटेंट ऑफ द मेन लैंड ऑफ इंडिया। मेन लैंड मतलब जो मेन है, अगर हम लोग इंडिया के आइलैंड्स को लेफ्ट कर देंगे, फॉर एग्जांपल लक्षद्वीप और अंडमान को, तो जो मेन इंडिया है उस पर हम लोग ध्यान करेंगे तो हम लोग को इंडिया का एक्सटेंट कहाँ तक है वो समझ में आता है। तो बिफोर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ इंडिया, वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, ओके। सो लैटिट्यूड इज ऑल द इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑन द मैप ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है ना, उसको कहते हैं लैटिट्यूड। सो अपोजिट ऑफ दैट, दैट इज़ ऑल द इमेजिनरी लाइंस, ऑल द इमेजिनरी वर्टिकल लाइंस ऑन द मैप इज़ लॉन्गिट्यूड, ओके। सो अभी हम लोग को इंडिया का एक्सटेंट कैसे मिलेगा, तो यहाँ पे कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स दे हम लोग को वो फिलअप करने का है, तो हम लोग इस मैप के हेल्प से ही उसको फिलअप करेंगे। सो सबसे पहले हम लोग को लैटिट्यूड में देखने का है, इंडिया इज़ डैश डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, ओके। तो अगर हम लोग इस मैप में देखेंगे तो अगर हम लोग नीचे से स्टार्ट करेंगे तो नॉर्थ क्यों है, क्योंकि इंडिया इज सिचुएटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इसके लिए उसको नॉर्थ कहते हैं। सो इंडिया स्टार्ट्स फ्रॉम, हम लोग डाउन मतलब नीचे से देखेंगे, ओके, क्योंकि हम लोग को ऊपर जाने का नॉर्थ की तरफ। तो डाउन से अगर हम लोग देखेंगे तो इंडिया इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम 8 डिग्री, अगर तमिलनाडु और केरला का जो बॉर्डर टच हो रहा है वो 8 डिग्री के लैटिट्यूड पर टच हो रहा है, ओके। सो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू कहाँ पे इंडिया खत्म हो रहा है, इंडिया का जो जम्मू कश्मीर का एंड है वो 36 डिग्री नॉर्थ के जस्ट ऊपर खत्म हो रहा है, मतलब वो 37 डिग्री नॉर्थ पे खत्म हो रहा है, बराबर है। तो इंडिया का जो लैटिट्यूड एक्सटेंट है वो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ओके। अभी लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं, लॉन्गिट्यूड हम लोग का ईस्टर्न है, ओके। सो ईस्टर्न हम लोग कंपेयर करेंगे 68, इफ़ यू लुक, अगर हम लोग गुजरात को देखेंगे, गुजरात 68 से स्टार्ट होता है, ओके। 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, क्योंकि हम लोग ईस्टर्न हेमिस्फीयर में सिचुएटेड है, उधर से लेके कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो हम लोग को देखेंगे जो हमारा हिमाचल प्रदेश है वही सबसे ईस्ट में हमारा स्टेट है, तो हिमाचल प्रदेश 96 के जस्ट बाहर ख़त्म हो रहा है, ओके। सो हमारा जो लॉन्गिट्यूड का एक्सटेंट है इट इज़ फ्रॉम 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ओके। तो ये था हमारा एक्सटेंट ऑफ इंडिया। एंड द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया इज़ इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट इज नॉट सिचुएटेड इन द मेन लैंड ऑफ इंडिया बट इट इज सिचुएटेड इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का जो सबसे सदर्न मोस्ट टिप है उसको कहते हैं इंदिरा पॉइंट, और वही इंडिया का सबसे सदर्न मोस्ट टिप है, ओके। एंड उसका लोकेशन का एक्सटेंट है 6 डिग्री 45 मिनट नॉट पैरेलल, ओके। तो अगर हम लोग इस इंडिया का जो मैप दिया हुआ है फिगर 2.1, इफ वी लुक एट दैट मैप वी कैन ईजिली वी कैन ईजिली आइडेंटिफाई हु आर द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, वॉट आर द वाटर बॉडीज दैट इंडिया इज शेयरिंग विद अदर कंट्रीज, ठीक है ना, वो सब हम लोग देख सकते हैं, पहचान सकते हैं एकदम ईजिली, ओके। सो नेक्स्ट वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द एक्सटेंट और द लोकेशन ऑफ द कंट्री ब्राज़ील। सो द ऑफिशियल नेम ऑफ द कंट्री इज फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राज़ील एंड द नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ द कंट्री ब्राज़ील इज ब्राज़ीलिया, ओके। सो लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट द लोकेशन, एक्सटेंट एंड द बाउंड्रीज ऑफ द ब्राज़ील। सो जो ब्राज़ील एक कंट्री है उसके अंदर में से ही, ब्राज़ील कंट्री में से ही इक्वेटर पास होता है, इक्वेटर मीन्स मिडल लाइन, इमेजिनरी सेंटर लाइन ऑफ द अर्थ, तो उसमें से ही इक्वेटर पास होता है। देयरफॉर सम ऑफ द पार्ट ऑफ द ब्राज़ील इज सिचुएटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, मतलब इक्वेटर के ऊपर है वो, व्हाइल द मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द ब्राज़ील कंट्री लाइज इन द सदर्न हेमिस्फीयर, मतलब वो इक्वेटर के नीचे। लेकिन पूरा जो कंट्री है इफ़ वी कंपेयर इट टू प्राइम मेरिडियन,
प्राइम मेरिडियन के कंपेयर करेंगे तो ब्राज़ील इज सिचुएटेड इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, मतलब साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के नॉर्थ में सिचुएटेड है ब्राज़ील कंट्री। ओके सो एक मैप दिया गया है हमें नीचे फिगर 2.2। इफ़ वी लुक एट दैट मैप वी कुल इजीली आइडेंटिफाई द एक्सटेंट ऑफ द कंट्री ब्राज़ील, मेनलैंड ब्राज़ील, ठीक है ना। तो ये मैप में हम लोग देखते हैं एंड वी विल ट्राई टू आंसर सम फिगर फिलिंग द ब्लैंक्स विच इज़ गिवन इन द टेक्स्ट बुक। तो हम लोग को दिया गया है डैश डिग्री 15 मिनट नॉर्थ टू डैश डिग्री 45 मिनट साउथ। ओके सो नॉर्थ क्यों, क्योंकि ये कंट्री स्टार्ट्स तो होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से, तो हम लोग को नॉर्थ। तो अगर हम लोग देखेंगे कंट्री नॉर्थ में मतलब एकदम ऊपर से, तो ब्राज़ील जो है वो स्टार्ट होता है लैटिट्यूड्स, लैटिट्यूड मीन्स हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके तो ब्राज़ील जो है वो स्टार्ट होता है 5 डिग्री नॉर्थ पे। ओके इट इज़ क्लियरली विजिबल। तो 5 डिग्री 15 मिनट नॉर्थ टू ख़त्म कहाँ पे होता है, तो लैटिट्यूड में हम लोग को देखना है, लैटिट्यूड मीन्स हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये करीबन 35 के ऊपर ख़त्म होता है, ठीक है ना, 35 के ऊपर ख़त्म होता है, 30 के नीचे मीन्स इट इज़ बिटवीन 30 टू 35। तो एग्जैक्ट अगर हम लोग देखेंगे तो ये है 33 डिग्री 45 मिनट साउथ। ओके सो लैटिट्यूड एक्सटेंट ऑफ ब्राज़ील इज़ 5 डिग्री 15 मिनट नॉर्थ टू 33 डिग्री 45 मिनट साउथ। अभी लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट देखते हैं ब्राज़ील का। ओके सो लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट अगर देखेंगे हम लोग तो ब्राज़ील इज स्टार्टिंग वेस्ट में कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 70 के बाद में जैसे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना, 75 के बाद से, लेकिन 70 के पहले से मीन्स इट इज़ बिटवीन 70 एंड 75। तो एग्जैक्ट देखेंगे तो इट इज़ 73 डिग्री 47 मिनट वेस्ट टू ख़त्म कहाँ पे हो रहा है, तो ख़त्म तो 35 पे ख़त्म हो रहा है, तो एग्जैक्ट है वो 34 डिग्री 48 मिनट वेस्ट। ओके सो दिस वॉज द एक्सटेंट ऑफ ब्राज़ील। इफ़ यू वॉन्ट यू कैन पॉज द स्क्रीन एंड राइट इट डाउन। सो द एक्सटेंट ऑफ ब्राज़ील इज 5 डिग्री 15 मिनट नॉर्थ टू 33 डिग्री 45 मिनट साउथ, 73 डिग्री 47 मिनट वेस्ट टू 34 डिग्री 48 मिनट वेस्ट। ओके सो इट इज देर इज अ स्मॉल एक्टिविटी गिवन बिलो दिस, इट इज अबाउट द राइटिंग अबाउट द नेबरिंग कंट्रीज और द नेबरिंग ओशंस इन डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ ब्राज़ील। ओके सो वंस वी हैव अंडरस्टूड अबाउट द लोकेशन एंड एक्सटेंट ऑफ दिस टू कंट्री, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड सम ऑफ द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अबाउट दिस टू कंट्री, दैट इज इंडिया एंड ब्राज़ील। सो स्टार्टिंग विद इंडिया, वी ऑल नो दैट इंडिया वॉज अंडर द ब्रिटिश रूल एंड ब्रिटिशर्स रूल्ड इंडिया फॉर ऑलमोस्ट 1.5 सेंचुरी, मतलब 150 साल, ऐसे तो कहते हैं तो 180-190 ईयर्स तक ब्रिटिशर्स ने हमें हम पर राज किया है, हम पर रूल किया है। बट इन दिस बुक इट इज़ गिवन एज अ 1.5 सेंचुरी मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 150 ईयर्स। ओके एंड इंडिया फाइनली गॉट इट्स इंडिपेंडेंस इन द ईयर 1947। तो जब ब्रिटिश हम पे रूल कर रही थी तब भी इंडिया ने बहुत सारे प्रॉब्लम फेस किए थे। फॉर एग्जांपल इंडिया हैज़ ऑलरेडी फेस्ड 3 वॉर्स। ओके इंडिया वाज फेसिंग प्रॉब्लम्स लाइक पेंडेमिक, फेमाइंस, ड्रॉट, उसके कारण और भी बीमारियां फैला करते थे, लोग रोज मर रहे थे। ओके एंड सिमिलर इश्यूज़ वर फेस्ड बाय इंडिया आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस ऑल्सो, मतलब इंडिपेंडेंस मिलने के बाद भी इंडिया में ऐसे इश्यूज़ तो रोज़ होते ही थे, फेमाइन आ रहे थे, वॉर्स हो रहे थे। ओके सो इंडिया इन दिस एमर्जिंग वर्ल्ड इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग और फास्टेस्ट डेवलपिंग नेशंस इन द वर्ल्ड, ठीक है ना। इंडिया बहुत ही फास्टेस्ट ग्रो हो रही है, बहुत ही फास्ट डेवलप भी हो रही है। एंड इंडिया इज़ कंसिडर एज अ ग्लोबल मार्केट टू, मतलब पूरे वर्ल्ड में एक मार्केट की तरह, ग्लोबल मार्केट की तरह इंडिया को देखा जाता है। क्यों? बिकॉज द पॉपुलेशन ही इंडिया की इतनी ज़्यादा है कि लोग कुछ भी बेचो इंडिया में बिकी जाता है। ओके एंड बिकॉज ऑफ ऑल दिस इकोनॉमिक रिफॉर्म जो इंडिया में रोजाना रोज होते जा रहा है, फ्रॉम टाइम टू टाइम जो रोज हो रहा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडियाज़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज़ पेस्ड अप, मतलब बहुत फास्ट हो चुका है इंडिया में इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एंड द प्रोपोर्शन ऑफ यूथ इन इंडियाज़ पॉपुलेशन इज़ हाई, जो भी जितने भी इंडिया में पॉपुलेशन है एटलीस्ट 60% पॉपुलेशन जो है हमारा यूथ है, मतलब बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 20 to 50 ईयर्स के बीच में। ओके सो एज दिस फॉर्म अ मेजर पार्ट ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन, वर्किंग पॉपुलेशन मतलब जो खुद काम करते, खुद कमाते, जीते हैं। सो जैसे कि यूथ जो है हमारे देश का, जो कि इतना पॉपुलेशन हमारा यूथ से कंसिस्ट करता है, देयरफॉर इंडिया इज लुक्ड अपॉन एज अ यंग कंट्री, मतलब अभी भी यंग कंट्री है, क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन यूथ है, अभी यंग है, वर्किंग पॉपुलेशन है। ओके सो नेक्स्ट इज अबाउट द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ ब्राज़ील। सो ब्राज़ील वॉज अंडर द रूल ऑफ पॉर्चुगीज, पॉर्चुगल ब्राज़ील पर रूल करते थे फॉर मोर देन 3 सेंचुरीज, 300 साल तक पॉर्चुगीज ने ब्राज़ील पर रूल किया। इसके लिए आज भी ब्राज़ील की जो मेन भाषा है उन लोग पॉर्चुगीज ज़्यादा बोलते हैं। ओके सो ब्राज़ील फाइनली गेन इट्स इंडिपेंडेंस इन द ईयर 1822,
ठीक है ना। और फ्रॉम 1930 टू 1985, दैट इज़ मोर देन हाफ अ सेंचुरी, ब्राज़ील वॉज रूल्ड बाय मिलिट्री गवर्नमेंट। मतलब उन पर कोई ऐसा गवर्नमेंट रूल नहीं करते थे, बल्कि मिलिट्री लोग ही उन पर रूल करते थे, मिलिट्री लोग का ही राज था वो। तो उसके बाद अब डेमोक्रेटिक कंट्री, अब 1985 के बाद ब्राज़ील बन चुका है। सो इन द लेट 20th सेंचुरी, करेंटली वी आर लिविंग इन द 21st सेंचुरी, ओके। सो इन द लेट 20th सेंचुरी ब्राज़ील ने आखिरकार सब अपने फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ को ओवरकम किया। मतलब उनके पास बहुत कर्जे थे, बहुत लोन थे, बहुत उनका इकोनॉमी डाउन हो चुका था, तो वो सभी डिफ़िकल्टी से ब्राज़ील उठा उठा, ओके, एंड उसको सबको ओवरकम किया। एंड नाउ ब्राज़ील इज़ सीन एज द कॉन्ट्रीब्यूटर टू द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वर्ल्ड इकोनॉमी में ब्राज़ील, बिकॉज ब्राज़ील इज़ एक्सपोर्टिंग गुड्स लाइक आयरन ओर, पेट्रोलियम, क्रूड पेट्रोलियम, सोयाबीन्स, ओके। तो ये कुछ है। एंड ब्राज़ील इज़ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ कॉफ़ी, जो कि पूरी दुनिया कंज्यूम करती है। एंड इसी के साथ साथ नाउ ब्राज़ील इज़ सीन एज एन इम्पॉर्टेंट मार्केट इन द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड, ओके। तो ब्राज़ील ऑल्सो प्लेज अ क्वाइट इंपॉर्टेंट रोल इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। सो विद दिस दिस स्मॉल चैप्टर कम्स टू एन एंड। आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग इन दिस स्मॉल चैप्टर। एनी डाउट ऑफ योर्स विल बी एंटरटेन। थैंक यू वेरी मच।